देखो आए तक कदे सानू तो कोई पता ही नहीं है इस गल का कि रेहड़ी फड़ी पाऊंगा। क्या हम साढ़े भरा लुभी गए रस्ते च, ऐसा नहीं है कि रेहड़ी फड़ियाँ चुकने चाहिए। हाँ चुको तुम, लेकिन वह अल्टरनेटिव रखो, जो साढ़े इतों के लोग है नौजवान पीढ़ी है जी, ये लोग करन गए रेहड़ी फड़ियाँ चुकी है, ये बेचारे फिर जाँगन नशे वाली साइड जाँगन। अं तो नहीं ये हूँ देना कि फड़ियाँ फुड़ियाँ चुकाऊंगा, अं यदा विरोध करके है कि फड़ियाँ किए चुकोई कि नहीं, लेकिन अजे तक करते लगी दी भी है। अं जाने दफ्तर गल करने, प्रेजिडेंट साहब कन्ने भी गल करने, सी एम साहब कन्ने भी गल करने कि जी नौजवान पीढ़ी है कम से कम ये दर बदल नहीं होन, इन्हें ये कन्ने पिछले जगह है, इतने इन्हें शिफ्ट किए जाए, जो इन बेचारे का घर परिवार रोजगार जोड़ा है ये चलै। बस इन ये लास्ट स्टैप होना चाहता। मैं भी आखना चाहना सी ओ साहब कि पूरी कौंसल की मीटिंग लैनी चाहिए, कौंसलरें भी पूछने चाहता कि वाकई ये सही है या गलत है। कल्ले लेना है कि कल्ले सी ओ साहब जेडे बड़ी चुकनी है या नहीं चुकनी। देखो अं चुने के नुमाइंदे हैं, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो पूरी हाउस ही होनी चाहिए, हाउस से डिसाइड होना चाहता कि करना के नहीं। बाकी चले हूँ मैं कौंसल से चलिया सी अं बाजार लाने रेहड़ी फड़ी तो रोहित खजूरिया साहब आए, बी साहब आए, तो उन्हें सू जगह पहले कराए भी तुम सब्जी मंडी चली जाओ। अच्छा क्या सर सब्जी मंडी काम नहीं चलता, सानू कुछ लागे बंद जगह दी है, एक पार्किंग दसी उन्हें सू इत बिठाई था इस पार्किंग से, इतना ही पांच साल कटे। और बाद नरेश शर्मा और प्रेजिडेंट साहब बने, तो उन्हें सू पिछों चुकिया, तो उन्हें अगे बिठाई था, सू कोई तंगी नहीं आई। चार पाँच साल इतना कटे, कोई बिल्कुल नरेश शर्मा टाइम की कोई तंगी नहीं आई। 2 अक्टूबर दिन डी साहब आए इतने, उन्हें देखा तो उन्हें आखिया भी इंडिया रेहड़ियाँ फड़ियाँ बिल्कुल बंद कर दी। बाकी पूरे बाजार के बच्चे रेहड़ी फड़ी लगी हुई, उनके कारोबार चला रहे, सिर्फ अभी जो 5-7 परिवार है बिल्कुल जीरा। कुछ बाहर के लोग भी हैं रेहड़ियाँ लगे दी होंगे, अपने लोग भी हैं जोड़े वह जी। हूँ कल प्रधान साहब उन्हें थोड़ी मीटिंग की कि थानू ये स्कूल है जगह देनी है, 10 बंदे भी आए उ 50 बंदे ना चलेंगे, अभी तो फिर भी उठे उठे रहेंगे। बाजार लगे पिछले नहीं तो इतना लाने, पिछले जगह है सू उठा।